मोहन शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने मीडिया की जिम्मेदारी भी अब अपने कांधों पर ले ली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आप खुद ही देख लीजिए। दरअसल पूरा मामला संभल के थाना क्षेत्र धनारी का है, जहां थाना धनारी क्षेत्र से गुजरने वाले आगरा मुरादाबाद हाईवे पर बाइक और कार की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। वहीं कहासुनी के बाद देखने वाली बात ये रही कि मौके पर मौजूद पुलिस अपना काम छोड़कर पत्रकारों की ही वीडियो बनाती नजर आई, वो भी ऐसे जैसे योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों को वीडियो बनाने का नया काम सौंपा। इतना ही नहीं, दो पक्षों के बीच हो रहे विवाद पर जो मीडिया कर्मी कवरेज कर रहे थे उनकी वीडियो पुलिस ने बनाई और चलती पड़ी। अब पुलिस मौके पर मौजूद होने के बावजूद भी दोनों पक्षों में मामला सुलझाने के बजाय वहां मौजूद लोगों और मीडिया कर्मियों की वीडियो बनाती नजर आई। भाई अब ये बात तो हमारी समझ से भी परे है। क्या योगी सरकार ने पुलिस को कोई नई ड्यूटी दे दी है, या फिर इस पुलिस कर्मी को मीडिया बनने का कोई नया शौक चढ़ा है, ये तो वो ही जाने। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यूपी पुलिस अब जनता को इसी तरह न्याय दिलाएगी। जो बड़े वाहन वाली मान जाती है, अगर कुछ घट रहा है तो जो बड़े वाली आती है आप मीडिया की लगातार जो आप लोग सब लोग कवरेज कर रहे हैं, ऐसा क्या मामला है? ऐसा क्या मामला है जो आप लगातार, भैया आप लगातार मीडिया की कवरेज कर रहे हैं, क्या मामला है? क्या कैसे मीडिया की लगातार वीडियो बना रहे हैं आप लोग? क्या हुआ भैया इस लड़ाई का, क्या हुआ भैया इस लड़ाई का? नहीं क्या हुआ भैया, नहीं मीडिया की लगातार आप वीडियो बना रहे थे, क्या मामला था? लगातार आप मीडिया की वीडियो बना रहे थे लगातार, क्या मामला था? कुछ बताएंगे भैया आप, कुछ बताएंगे आप? संभल से केकेडी न्यूज संवाददाता कुमार पाल यादव की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी।